मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जिले के 2,44,000 बुजुर्ग विधवा किसान और दिव्यांगजन के खाते में दोगुनी पेंशन राशि यानी 1,000 रुपये ऑनलाइन हस्तांतरित किए। लाभार्थियों के खाते में जनवरी फरवरी और मार्च 2022 की एक मुश्त पेंशन राशि जारी की गई। दोगुनी और 3 माह की पेंशन एक साथ पाकर लाभार्थियों के चेहरे खिले नजर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लखनऊ से वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए गोरखपुर सहित प्रदेश के 11,17,000 पेंशन धारकों के खाते में बढ़ी हुई पेंशन राशि भेजी। NIC कार्यालय में नगर विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह सहित 15 लाभार्थियों भी वर्चुअल माध्यम से जुड़े। मुख्यमंत्री द्वारा लाभार्थियों के खातों में पेंशन राशि स्थानांतरित करने के बाद नगर विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने इन 15 लाभार्थियों को बढ़ी हुई पेंशन का स्वीकृति पत्र भेंट किया। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि जनपद में वृद्ध अवस्था पेंशन के 1,48,508, निराश्रित महिला पेंशन के 68,646 और दिव्यांग पेंशन 26,721 लाभार्थी हैं। इनके अलावा कुष्ठ रोग से दिव्यांग हुए 263 पेंशनधारी धारक हैं। इस अवसर पर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, CDO इंद्रजीत सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी संदीप मौर्य और जिला प्रोबेशन अधिकारी सरोज सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरी से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, पेंशन की बढ़ोतरी से कुछ लाभ होगा तो इसके लिए हम कामना करते हैं और आप सब स्वस्थ रहे। पढ़ाया भी है कि... जी सर, अभी इंटर करके सर प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं सर, इसलिए खेती नहीं है सर। अच्छा, ठीक है। कोई चावल है, गेहूँ है, दाल है, तेल है, ठीक है? जी सर, बहुत बढ़िया। वही हम लोग यूज कर रहे हैं, खा रहे हैं सर, और सब लोग खुश है सर। फिर आप मुख्यमंत्री बन के आइए सर। नमस्ते, आप क्या करते हैं कृषि? आप आपको ट्राई साइकिल वगैरह मिला है? मिला है, प्राप्त हो रही है। आज ही सारा पैसा भेज दिया गया है। जी सर। तो मैं आपको और आपके साथ अपने तमाम जो दिव्यांगजन है प्रदेश भर के, उन सबको बहुत नमस्कार। सर, हमारे बीच में माननीय मंत्री श्री धर्म सिंह सैनी जी हैं और माननीय विधायक जी श्री देवेंद्र नीम जी है। नमस्ते। नमस्कार सर। हाँ, नफा आपके खाते में? हाँ जी, 3,000 आया मेरे अकाउंट में। आपको किसी अन्य सुविधा का लाभ भी मिलता है कि नहीं मिलता है? अभी तो कुछ नहीं मिला है। उपलब्ध करवाई जा रही है सर। मैं आपसे एक बात और करना चाहती हूँ। हाँ बताए सर। मेरा आंगनबाड़ी में नंबर आ गया था। हाँ, अलग है। कहा कि आंगनबाड़ी और आशा में जो भी नियुक्तियाँ होंगी उसमें निराश्रित महिलाओं को पहली प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सर, जो कोरोना काल खंड वो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का तो रहता है कि पात्र लोग जुड़े हैं या पात्र लोग सुधार। रुपेश कुमार है, ये हमारे दिव्यांगजन पेंशन योजना से ना गवर्नमेंट की है, सब क्या करती है। मैदान, चारा गोट कीपिंग यूनिट, पोल्ट्री यूनिट, सब हमने मॉडल एक्सपेरिमेंट दिया है। आपको मैं पत्र भी भेजूंगा, मैं आप लोगों का भी मतलब थोड़ा सा आप लोग भी मोबिलाइज करने लेंगे। जितने भी दिव्यांगजन है, जितने भी रोगी है, हम लोग खेल मैदान और ये सब बढ़ा रहे हैं।
बहुत से ब्लॉकों में है वो मिलने वाली पेंशन की राशि यहाँ पर जारी की जा रही है। एक बड़ी राशि है जिसमें 2,955,36,00,000 रुपए की राशि यह डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के खाते में जा रही है। 3,000 रुपए की राशि 3 महीने की पेंशन वृद्धावस्था निराश्रित महिला पेंशन योजना और दिव्यांग जनों के अकाउंट में एक सारी राशि भेजी जा रही है। मैं इसके लिए पहले सबसे सभी लाभार्थियों को 98,00,000 से अधिक जो लाभार्थी हैं, इन सभी को मैं इसकी हृदय से बधाई देता हूं। वृद्धावस्था पेंशन के 56,00,000 लाभार्थी हैं, जिन्हें 1,680 करोड़ रुपए निराश्रित महिला पेंशन में 31,00,000 लाभार्थी हैं, जिन्हें 930 करोड़ रुपए और दिव्यांग जन पेंशन योजना के अंतर्गत 11,17,000 लाभार्थी हैं, जिन्हें 335,10,00,000 रुपए की राशि उनके खाते में दिया जा रहा है। पुष्टावस्था पेंशन के 11,400 लाभार्थियों को 10,26,00,000 रुपए की राशि उनके अकाउंट में भेजी जा रही है। हम सब जानते हैं प्रदेश सरकार ने न केवल पेंशन राशि में बढ़ोतरी की है, बल्कि जितने भी ऐसे लाभार्थी थे जो पात्रता की श्रेणी में आते थे, पिछले 4.5 वर्ष के अंदर उनकी संख्या भी बढ़ाई है। वृद्धजन जो आज 56,00,000 हमारी सरकार के समय 19,47,000 की संख्या अतिरिक्त बढ़ाई गई, यानी इतने अतिरिक्त लोगों को इस पेंशन की राशि का लाभ प्राप्त हो रहा। पहले अगर आप देखते थे कि यहाँ पर इस राशि का उपयोग इससे पहले जो होता था कि मैं अपने कंट्रोल रूम से उनकी मदद, पहले केवल 37,47,000 लोगों को इस सुविधा का लाभ मिलता था, आज 56,00,000 परिवारों को इस सुविधा का लाभ प्रदान किया जा रहा है। ऐसे ही निराश्रित महिला पेंशन की राशि 31,00,000 निराश्रित महिलाओं को इस पेंशन की राशि का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल के दौरान 13,68,000 अतिरिक्त नई लाभार्थी इस योजना से जोड़ी गई है। ऐसे ही ऑनलाइन भी आवेदन प्रदेश के अंदर आप घर बैठे बैठे दिव्यांग जन है, इनकी संख्या वर्तमान में 11,17,000 है और वर्तमान प्रदेश सरकार के दौरान 6,665 नवीन लाभार्थी इसमें जोड़े गए हैं। आज यहाँ पर सुविधा उपलब्ध हो रही है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के सभी का उन सभी पेंशन धारकों को जिसमें 28,000 लाभार्थी है उन्हें इस सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। सब करा देंगे। मैं सबसे पहले आप सबको इसके लिए हृदय से बधाई देता हूँ। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई इस बात को देख करके कि ज्यादातर सभी लाभार्थी शासन की विभिन्न योजनाओं से पहले से जुड़े हैं। राशन की योजना है, आवास की योजना है, शौचालय की योजना है, आयुष्मान भारत या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से उन्हें आच्छादन पहले से ही किया गया है। कोरोना काल खंड के अंदर जिन परिवारों के सदस्य कोरोना जैसी महामारी के शिकार हुए हैं, उन परिवारों को भी 50,000 रुपए अतिरिक्त उपलब्ध करवाने के साथ परिवारों में बच्चे स्कूल पढ़ने वाले हैं, तो बच्चों के लिए हमने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत जब तक वे बच्चे पढ़ाई लिखाई करेंगे तब तक के लिए एक राशि उन लोगों के लिए उपलब्ध करवाने की कार्रवाई प्रारंभ की है और प्रदेश में बड़ी संख्या में बच्चों को इसका लाभ भी प्राप्त हो रहा है। वर्तमान में पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। कोरोना महामारी का सर्वोत्तम उपाय जागरूकता है, सतर्कता है और सावधानी है। हम सब इसको ध्यान में रख करके देश की कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है, इस लड़ाई में अगर हम सभी लोग मिलकर के कार्य करते हैं तो जरूर इसका लाभ समाज को भी और देश को भी प्राप्त होगा। हर व्यक्ति वैक्सीन जरूर ले ले, शासन की योजना जरूरतमंदों को मिले, हमें इस बात को देखना चाहिए। और मेरा आप सबसे भी अपील होगा, जितने भी लाभार्थी पूरे प्रदेश भर से आज जुड़े हुए हैं,
ये वास्तव में जो पात्रता की श्रेणी में आता है उस हर एक लाभार्थी को अपने साथ और उसे भी शासन की योजना से जोड़ करके अधिक से अधिक लाभान्वित करना, जहाँ ये हमारा दायित्व होना चाहिए, वहीं अगर कोई ऐसा थी जो लाभार्थी नहीं लेकिन गलत तरीके से पात्रता की श्रेणी के साथ जुड़ करके इस योजना के साथ जुड़ा है, हमें ऐसे लोगों को भी इसके लिए जागरूक करना होगा कि पात्र लोगों को इस सुविधा के साथ जोड़ने की कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आज यहाँ पे 98,30,000 परिवारों को इस सुविधा का लाभ यहाँ पे प्रदान किया जा रहा है। मैं प्रदेश भर से जुड़े हुए सभी 98,28,000 जितने भी हमारे लाभार्थी हैं, इन लाभार्थियों को 2,955,36,00,000 रुपए की राशि के अकाउंट में भेजी गई है, जिसमें 3 महीने की पेंशन की राशि है। इसके लिए उन्हें बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि शासन की योजनाओं के साथ जुड़ करके वे अपने जीवन को स्वस्थ बनाने और अपनी प्रतिभा ऊर्जा का लाभ समाज को देने में अपना योगदान देंगे। आप सबकी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। आप चाहे होते तो आपको 75,000 गवर्नमेंट दे रही शादी में, आप लोग गरीब भी बनेंगे तो लाभ तो लीजिए। एक सेकंड रुकिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों से प्रदेश स्तर पर दिव्यांग लाभार्थियों के लिए, निराश्रित महिलाओं के लिए और वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों को DBT के माध्यम से धनराशि हस्तांतरित की गई है। हमारे जनपद में भी बढ़ी हुई धनराशि 1,000 रुपये प्रत्येक लाभार्थी के खाते में हस्तांतरित की जा रही है और आज माननीय विधायकगणों की उपस्थिति में कार्यक्रम के पश्चात उनको प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए गए हैं और धनराशि स्थानांतरण करने की कार्रवाई पूर्ण की गई है। हमारे जनपद में 1,40,000 से ज़्यादा लाभार्थी हैं और वो पूरे पारदर्शितापूर्वक उनको हस्तांतरण की गई है। ये कार्यक्रम सम्पन्न कराया गया है।